नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये महत्वपूर्ण पुस्तकें ले सकते हैं। ये जो पुस्तक आप लोग देख रहे हैं ये ग्राम समाज एवं ग्राम विकास की है। 900 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। रिविजन के लिए ये पुस्तक बेस्ट है और इस पुस्तक की खासियत ये है कि इसमें जो प्रश्नों की व्याख्या वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है और इस पुस्तक में आपको त्रुटियाँ भी देखने को नहीं मिलेंगी। सभी कापी किताब की दुकानों में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन इत्यादि मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लेखपाल भर्ती की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, चाहे वो संपूर्ण गाइड हो, चाहे वो लेखपाल भर्ती का मॉडल पेपर हो, या ग्राम समाज एवं ग्राम विकास की अलग से पुस्तक हो, या सामान्य हिंदी हो, यहाँ तक कि रेलवे ग्रुप डी की भी पुस्तकें सरस्वती प्रकाशन की आती हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। ये रेलवे ग्रुप डी का शॉर्ट पेपर है और मॉडल पेपर है। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचनाओं को। यूपी ट्रिपल एससी ने बढ़ाया लक्ष्य, 60,000 नौकरी। आज के समाचार पत्रों में यूपी ट्रिपल एससी के बारे में काफी सूचनाएं दी गई हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी सितंबर तक 12,000 पदों पर चयन की तैयारी पूरी है। इसमें काफ़ी अलग अलग सूचनाएं हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सितंबर तक करीब 12,000 पदों के लिए चयन की तैयारी पूरी कर ली है और ये भर्तियां कई विभागों में काफ़ी समय से लंबी थी। इसके अलावा आयोग जुलाई के अंतिम सप्ताह में एएनएम के 9,212 पदों का परिणाम भी जारी करेगा। एएनएम भर्ती के अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन चल रहा है। आयोग के अनुसार 25 सितंबर तक लंबित सभी भर्तियों के परिणाम जारी करने की तैयारी है। 25 सितंबर तक जितनी भी पेंडिंग रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। वहीं यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन का भी यहाँ पर बयान छपा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा है लेखपाल भर्ती इसी साल कराने की तैयारी है। आयोग की ओर से राजस्व लेखपाल के 8,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा 24 जुलाई को होगी। एक बात और बता दूँ, यूपी ट्रिपल एससी ने कल नोटिस भी जारी की है। जिन विद्यार्थियों ने फीस नहीं जमा की है, ऑनलाइन आवेदन की मेंस की, तो वो लोग फीस जमा कर दें। लिखा है सूत्रों के मुताबिक इनका चयन भी इसी वर्ष के अंत तक हो जाएगा। लेखपाल भर्ती यानी कि इसी साल कंप्लीट कराने की कोशिश है। आगे लिखा है कि सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 486 पदों के लिए 3 जुलाई और सप्लाई निरीक्षक के लिए 76 पदों के लिए 17 जुलाई को परीक्षा होगी। आयोग ने सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने तक 15,000 और 5 वर्षों में 60,000 चयन का लक्ष्य रखा है। 5 साल में 60,000 भर्तियाँ यूपी ट्रिपल एससी को करनी है। 25 मार्च 2022 तक 10 नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे, यानी कि आने वाले 7-8 महीनों में आपको ये 10 नई भर्तियाँ भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर लिखा है कि सरकार की ओर से 6 महीने में 10,000 भर्तियाँ करने का लक्ष्य था। ये चेयरमैन का बयान है यूपी ट्रिपल एससी के। और ऐसे में यूपी ट्रिपल एससी की ओर से 10,000 से अधिक भर्तियाँ पूरी की जाएंगी। एएनएम भर्ती का जो परिणाम है वो भी जल्द जारी होगा, जैसे कि बताया गया कि इसी महीने लास्ट में। वहीं पर यही सूचना अन्य समाचार पत्रों में जो है दूसरे एडिशन में अलग तरीके से दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ कि एएनएम भर्ती का जो परिणाम वो जारी हो जाएगा और यूपी ट्रिपल एससी अभी हाल ही में 535 पदों का जो परिणाम वो जारी किया था। इससे पहले आबकारी सिपाही के 405 पदों का परिणाम आया था। अब जुलाई में एएनएम भर्ती का परिणाम जारी हो जाएगा, तो जूनियर असिस्टेंट 2019 का परिणाम आएगा। तो ये जानकारी दी गई है कि अब जो अगला परिणाम है वो जूनियर असिस्टेंट 2019 का है। इसके अलावा 2018 से 21 के बीच निकली कुछ अन्य भर्तियों के अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है वो चल रहा है। आयोग ने अपना लक्ष्य भी बढ़ा दिया, उसके बारे में जानकारी दी गई कि अब जो 60,000 पदों पर भर्तियाँ होंगी और सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने तक 15,000, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर। और फिर से आपको याद दिला दूँ कि आजकल आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें। यहाँ पर लिखा 70,000 पदों पर भर्ती शुरू करेगा एसएससी। एसएससी से लगातार रोज़ समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारियाँ दी जा रही हैं कि एसएससी से नई भर्तियाँ होने वाली हैं। कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही केंद्र सरकार के विभागों के लिए 70,000 पदों पर भर्ती शुरू करेगा। इस भर्ती परीक्षा के नोटिस बाद में वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों की सलाह दी गई है कि वे इसकी जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट को नियमित तौर पर देखते रहें। आयोग केंद्र के विभागों के लिए समूह बा व समूह सा स्तर के पदों के लिए कई परीक्षाओं के जरिए भर्ती प्रक्रिया का आयोजन करता है। तो अभी एक नोटिस जारी की गई थी एसएससी के द्वारा, उसी के बारे में ये सूचना है। इसी के साथ में यूपी ट्रिपल एससी की एक और सूचना है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा
कि 27 जून को जो एएसओ की विद्यार्थी सहायक सांख्यिकी अधिकारी अपने आंसर की और परिणाम इत्यादि के लिए जिसकी परीक्षा हो चुकी है मई के महीने में, वे अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी जाना चाहते हैं वहां पर जा सकते हैं। और आज के समाचार पत्रों में कुछ सूचनाएं अग्निपथ भर्ती के बारे में भी है, अग्निवीर के बारे में भी है। जैसे यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया अजीत डोभाल के द्वारा, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के, उन्होंने कहा कि बदलाव जरूरी है, अगर कल की तैयारी करनी है तो हमें बदलना होगा। बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी अग्निवीर भर्ती के बारे में, बड़ा परिवर्तन करना जरूरी है। और हरियाणा में नौकरी की गारंटी दी गई है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अग्निवीरों को 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रदेश में नौकरी की गारंटी का ऐलान कर दिया है और उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। वहीं पर मनोहर लाल खट्टर को टारगेट भी किया गया कि पहले आप लोग हरियाणा के जो लोग हैं उनको नौकरी दें, हरियाणा में बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है। और वहीं पर जो अग्निवीर भर्ती का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, 3 याचिकाएं दाखिल थी जिसके बारे में मैंने कल जानकारी दी थी, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए कैवियट, लोगों ने इस पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की थी और सरकार जो केंद्र सरकार वो भी सुप्रीम कोर्ट गई है। सरकार का कहना है कि हमारा विपक्ष सुना। लोक सेवा आयोग में सीधी भर्ती के मानक तय नहीं होने से विवाद बढ़ गया है, सूचना के अधिकार के तहत भी अभ्यर्थियों को नहीं मिल रहा है जवाब। अच्छा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत सीधे तरीके से सूचना के अधिकार के तहत जवाब नहीं देता है। जिस तरीके से स्केलिंग वाला जो विवाद है वो छाया हुआ है उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। और यहाँ पर जो विवाद ये चल रहा है कि सीधी भर्ती में कभी स्क्रीनिंग परीक्षा करवाई जाती है, कभी नहीं करवाई जाती है, कभी इंटरव्यू डायरेक्ट इंटरव्यू करवा लिया जाता है मेरिट के आधार पर, और इसी का विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। और इसी के क्रम में जो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति है और उसके अध्यक्ष अवनीश पांडे, सूचना के अधिकार के तहत पूछा था कि क्या प्रक्रिया है जो सीधी भर्तियाँ होती हैं उसमें साक्षात्कार के द्वारा लिखा हुआ है या स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद जो छट के लोग आएंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, तो इसके बारे में भी गोलमोल जवाब दिया गया है और विद्यार्थी इसको लेकर के असंतुष्ट हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो भर्ती होने जा रही 25 पदों के लिए सीधे इंटरव्यू करवाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पैसा भ्रष्टाचार की खूब चर्चाएं होती हैं और इसीलिए इन कहा ही जाता है, इसलिए लोक सेवा आयोग जो इन भर्तियों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवाता है। यहाँ पर 25 पदों के लिए एक भर्ती हो रही है उसमें केवल इंटरव्यू लिया जा रहा है। और वहीं पर आप लोगों को एक बात और बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी में जो पीसीएस की वैकेंसी आती है, पीसीएस की वैकेंसी में पहले स्केलिंग चलती थी, 2018 से बदलाव कर दिया गया था। 2018 में प्रभात कुमार आए थे, पूरा चौपट कर दिया था पीसीएस का, लोगों का तो मोह भंग हो गया पीसीएस से तभी से। और उसके बाद से जो है एक और विवाद है ये स्केलिंग वाला, तो जो स्केलिंग का जो विवाद उन्होंने किया था उसमें ये कि जो भी मानविकी के जो सब्जेक्ट हैं उन विद्यार्थियों को जो नंबर है वो कम मिलते हैं और जो विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी उनको नंबर ज़्यादा मिलते हैं, तो स्केलिंग के द्वारा बैलेंस किया जाता था, यानी उन विद्यार्थियों के नंबर बढ़ाए जाते थे, लेकिन ये बंद हो गया है। उससे होता ये है कि जो मानविकी के जो विद्यार्थियों का चयन नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में यूपी ट्रिपल एससी कोई जवाब भी नहीं दे रहा, मामला कोर्ट में भी है, विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि इसको बदला जाए और स्केलिंग को लागू किया जाए। इसके लिए 24 जून को याद रखिएगा आप लोग, 24 जून को यूपीपीएससी में धरना प्रदर्शन है, ज्ञापन दिया जाएगा चेयरमैन को, तो आप लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुँच सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी और चेयरमैन से बात करके उनसे कहें कि आखिरकार ये किस तरीके से गलत। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में EWS आरक्षण पर विवाद, असल में प्रदेश यहाँ पर एक भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर BEd, यहाँ पर पिछले दिनों परिणाम जारी हुआ था, इसमें 2 विद्यार्थी ऐसे थे EWS के जो चयनित हो गए थे जो अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, बड़ी नौकरी कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 ऐसे अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया जो इस श्रेणी में आते ही नहीं है। चित्रकूट के रहने वाले शिकायतकर्ता शशि शेखर ने शिक्षा सेवा आयोग की सचिव को पत्र लिखा है और ये कहा है एक अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग के तहत उप प्रचार के पद पर पहले से चयनित है, वो EWS में कैसे हो गया। वह 2020 से कार्यरत ग्रेड पे 5400 के लेवल में है। वहीं एक अन्य महिला अभ्यर्थी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बरेली में ग्रेड पे 4800 के लेवल में वर्ष 2019 में सेवारत है और अभ्यर्थी के पति भी प्रवक्ता पद पर नौकरी कर रहे हैं। UPPSC ने 60 पदों का अंतिम परिणाम भी जारी कर दिया है, उसके बारे में भी सूचना दी गई है। लेक्चरर गणित का जो परिणाम है ये जारी किया गया है। वहीं पर समाचार पत्रों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है कि
अध्यापकों की बहुत ज़्यादा कमी है। समाचार पत्रों में अब लगातार सूचनाएं आ रही हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुसार करीब 9107 शिक्षकों की कमी बनी हुई है। इससे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों विद्यालयों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। इसी के बारे में मैंने कल भी आप लोगों को जानकारी दी थी। वहीं पर BSA सीतापुर जो अजीत कुमार है उनका बयान भी यहाँ पर छपा हुआ जिसे आप लोग देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि इससे दिन प्रतिदिन नगर क्षेत्र की स्थिति खराब होती जा रही है, शिक्षकों की कमी बनी हुई है। इसकी सूचना शासन को भेज दी गई है और मौजूदा शिक्षकों से बेहतर तरीके से पढ़ाई करवाने का प्रयास किया जा रहा है। अजीत कुमार BSA। तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर लिखा एक शिक्षक के पास 2-3 विद्यालयों का प्रभार है, तो ये सिस्टम इस समय चल रहा है और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारियाँ आ रही हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी सूचनाएँ भेजी गई हैं बहुत सारे जिलों से वो अध्यापकों की कमी के बारे में हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो अपने काम को तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।